हेलो जी, राधे कृष्णा, जय माता दी। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप अच्छे हों और अपने अपने घरों में स्वस्थ और सुरक्षित हों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। तो यहाँ पर मैं पिला रही थी अपनी छोटी सी बच्ची को दूध और इसने दूध पी लिया है। अब थोड़ा सा बचा था तो देखिए क्या करती है। यहाँ पर कल्पना ने थोड़ी सी वीडियो बना दी और ये बहुत ज़्यादा ख़राब है। देखिए क्या कर रही है। तो इसको मैं पिला देती हूँ, मतलब 2-2.5 लीटर दूध, पर उसको भी कम पड़ जाता है। तो यहाँ पर आए थे गद्दी और ये मेरे मायके की क्लिप है। तो देखिए इनके पास भेड़, बकरियाँ, घोड़े और कुत्ते। तो घोड़े इनके साथ में सामान रखने के लिए होते हैं, जैसे सामान होता है इनका खाना बनाने का, सोने का, तो घोड़े के ऊपर ले जाते हैं ये। और भेड़ बकरियाँ भी चुगाने के लिए लाते हैं, तो ये हर साल आते हैं मेरे मायके साइड में। और यहाँ पर ये मतलब बकरियाँ लेटी हुई है, अभी सुबह का टाइम है और अंकल जी और आंटी जी बना रहे हैं खाना। तो देखिए कैसे आराम से लेटी हुई है भेड़ बकरियाँ भी, कितनी समझदार होती है। जैसे खाना बना रहे हैं तो वही चुपचाप लेटी हुई है, क्योंकि पशुओं का होता है हर कहीं भी जा सकते हैं, पर बहुत ज़्यादा समझदार होते हैं इनके पशु भी और कुत्ते भी। तो एक घोड़े हैं यहाँ पर और देखिए पेट कितना भारी होता है, कितनी दूर जाना पड़ता है 2 रोटी खाने के लिए। मतलब सभी पेट भरना ही, पेट ही तो भरना है सभी को। ये ऊपर जैसे मेरे मम्मी जी औरों के घर है और यहाँ पर बैठे थे ये, मतलब गद्दी बोलते हैं हम अपनी भाषा में इन्हें। तो ये पशुओं को हर साल ले आते हैं चराने के लिए। और यहाँ पर अंकल जी पका रहे हैं मक्की की रोटी और आंटी जी यहाँ पर मक्खन निकाल रही थी। तो ये बकरियों के दूध का और भेड़ के दूध का मक्खन निकालते हैं। तो इन्होंने डिब्बे में भरा हुआ था ये दूध और फिर इसको ऐसे ही ला रहे थे इधर उधर, और फिर इससे मक्खन निकल जाता है। जब मतलब 15-20 वर्ष पहले की बात है, जब हम छोटे छोटे हुआ करते थे तो जैसे भेड़ों की खालों के होते थे इनके पास, जिनको हम अपनी भाषा में खलड़ू बोलते थे। तो उनकी खाल होती थी भेड़ बकरियों की और उसमें दूध को दूध से मक्खन निकालते थे। और हम छोटे छोटे होते थे तो अपने दादाजी पापा जी के साथ जाते थे इनके जो ये मतलब बोलते हैं डेरा लगा रखते हैं वहाँ पर। तो मेरे मायके में ऐसा किया जाता है, जैसे कि खेत उनके बहुत ज़्यादा है और अब पशु कम रखते हैं सभी, तो पहले से ही ऐसा किया जाता है कि इतने ज़्यादा खेत होने के कारण उनमें पशुओं के गोबर की खाद की कमी रह जाती थी। तो जब ये आते थे गद्दी तो मेरे दादाजी इनको अपने खेतों में बिठा लेते हैं और अभी भी ऐसा ही करते हैं। जो तब गद्दी आते हैं तो उनको अपने खेतों में बिठा लेते हैं खाद के लिए, और फिर उनको पूरी मतलब रात का भी खर्चा देते हैं और दिन का भी। तो इनके गोबर से बहुत ही उपजाऊ फसल होती है और हमारे खेत में उपजाऊ खेत हो जाते हैं। तो ये इनके कुत्ते थे यहाँ पर और ये देखिए आपस में लड़ रहे हैं। कुत्ते बेचते होंगे तो दूसरे। कुत्ते भी इनके बहुत ज़्यादा वफादार होते हैं और ये भी बहुत ज़्यादा रक्षा करते हैं इनके पशुओं की भी और इनकी भी। तो यही इनकी रखवाली करते हैं भेड़ बकरियों की, कुत्ते ही ज़्यादातर, क्योंकि ऐसे ऐसे जंगलों से जाते हैं ये बेचारे, जाने से भी डरते हैं ये। तो बेचारे पशुओं के साथ जाते हैं और फिर तेंदुए बाघ का भी डर रहता है। तो यहाँ पर एक कुत्ते आपस में खेल रहे थे और भेड़ बकरियाँ आराम से लेटी हुई थी, क्योंकि अभी अंकल जी और आंटी जी बना रहे थे खाना। तो उसके बाद ये खाना वगैरह खा करके फ्री हो जाएंगे तो इनको पूरा दिन जंगल में चराने ले जाएंगे और फिर बाद में
पानी पिलाने के लिए खड्ड में ले जाते हैं नीचे, यहाँ पर खड्ड है, तो ये हर साल आते हैं बेचारे। तो देखिए इतने पशु संभालना मुश्किल होता है, हम तो एक दो का काम करके ही थक जाते हैं। इनके पास देखिए कितने ज़्यादा भेड़ बकरियां हैं, और देखिए छोटा सा बच्चा यहाँ पर दूध पी रहा था, तो कितने बड़े बड़े सींग होते हैं इनकी बकरियों के, और है भी बहुत प्यारी ये। मतलब जल्दी जल्दी में थोड़ी सी क्लिप बनाई थी क्योंकि इनके कुत्ते काटने आते हैं तो डर रहता है, और कुत्ते इनके बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं, जैसे इनके पशुओं के साथ हम छू भी नहीं सकते और ऐसे डर रहता है, तो कुत्ते के डर से वीडियो भी ऐसे ही बनी है थोड़ी बहुत ही, और माफ़ कीजिएगा। तो ये देखिए यहाँ पर आराम से लेटी हुई है, और ना किसी के खेत में जाती है और ना किसी का वो नुकसान करती है। तो यहाँ पर आए थे देवता जी, ये आए थे मेरी बुआ जी के गांव में, और देखिए यहाँ पर देवता जी का डांस हो रहा है, ये बाटू बाड़ा देवता जी है और दूसरा रथ मंडोर देवता जी का था। तो यहाँ पर देवता जी का डांस हो रहा है, और ये आए थे मेरी बुआ जी के गांव में, जो कि मैंने आपको पहले भी वीडियो में कई बार दिखाया है। और यहाँ पर मेरी बुआ जी औरों के खेत है, मतलब गाँव वालों के लिए उनके लिए। तो देखिए यहाँ पर कितनी अच्छी गेहूँ उगी है, और यहाँ का नाम है सिल्ला गांव। तो कितना मन खुश हो जाता है ऐसे हरे भरे खेत देख करके। तो यहाँ पर देवता जी डांस कर रहे थे, और बोलते हैं कि बहुत ही शुभ माना जाता है अगर गेहूं के खेत में देवता जी डांस करें। तो देखिए गेहूं के बीच में नाच कर रहे हैं, और बाद में इतनी ज़्यादा गेहूं होगी यहाँ पर कि कोई ढंग नहीं रहेगा, मतलब बहुत ज़्यादा गेहूं होती है तब। तो ये थोड़ी सी क्लिप शादी की थी, ये शादी भी मेरे मायके में ही थी, तो दुल्हन को लाया गया है यहाँ पर मेहंदी में, फिर यहाँ पर इसके हाथ में क्या बोलते हैं उसको मौली का धागा बांध रहे हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा पूजन करवाएंगे, और उसके बाद फिर देखिए आगे क्या क्या होता है। तो अब यहाँ पर हो रहा है कन्यादान, और जो लड़की के माता पिता होते हैं तो पीली मतलब धोती सिर के ऊपर रखते हैं, और फिर एक परात जैसे रहते हैं, और उसमें देखिए इसके धोती के बीच में इन्होंने बांध रखा है, पता नहीं क्या बांधते हैं अब मुझे भी याद नहीं रहा है, और नीचे रखते हैं परात, और लोटे में लेते हैं पानी। तो फिर बेटी के माँ बाप थोड़ा थोड़ा पानी जैसे क्या बोलते हैं उसको थोड़ा थोड़ा बूंदे पानी की फेंकते रहते हैं, और फिर पूरा जैसे खड़ा पानी का होता है तो उसको पूरे को थोड़ा थोड़ा फेंकते रहते हैं। तो इससे हमारे अपनी भाषा में बोलते हैं कन्यादान। तो देखिए यहाँ पर ये कन्यादान हो रहा है, और ये लोटे से थोड़ा थोड़ा चाची जी फेंक रहे हैं, तो इससे बोलते हैं कि इससे होता है कन्यादान। Thank you.
और अब करेंगे दुल्हन की विदाई। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका कीमती समय लेने के लिए धन्यवाद। अब मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। स्वस्थ रहिएगा, खुश रहिएगा और अपना ध्यान रखिएगा। राम राम, जय माता दी। Thank you.